बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भले ही बिहार में सुशासन राज का दावा करते हों, लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जो इनके दावों की पोल खोल देते हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले पीपा पुल से आने जाने वाली गाड़ियों से अवैध उगाही करते दिख रहे हैं। पता चला वो इलाका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर का है। वहां पड़ने वाले पीपा पुल से गुजरने वाली गाड़ियों से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले अवैध उगाही कर रहे थे। मामला वायरल हुआ तो पुलिस महकमा एक्शन में आया और वसूली करते दिख रहे 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। SDPO ओम प्रकाश ने बताया कि वीडियो की जांच कर दोषी 4 होमगार्ड जवानों और एक चौकीदार पर तत्काल कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई विभागीय रूप से की जा रही है। रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में पीपा पुल है, वहाँ पर जो फोर्स पर नियुक्त किया गया है उसमें होमगार्ड है, एक चौकीदार है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे गाड़ियों से पैसा ले रहे हैं, ये दिखलाया गया है। इसकी जांच हम लोग के द्वारा की गई है। जांच में क्रम में स्पष्ट हुआ कि थाना स्तर से विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुल पर 4 होमगार्ड, एक चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई थी और उनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। हमारे माननीय अच्छे अधीक्षक महोदय द्वारा जो 4 होमगार्ड थे उनको तत्काल कार से मुक्त किया गया है और कमांडेंट जो होमगार्ड कमांडेंट है उनको लिखा गया है। साथ ही साथ जो चौकीदार एक चौकीदार की प्रतिनिधि थी उसको तत्काल से सस्पेंड किया गया है और विभागीय कार्रवाई। सुशासन राज का दावा करने वाले राज्य में जब डिप्टी सीएम के इलाके का ये हाल है तो ऐसे दावों पर सवाल तो उठेंगे ही।